अरे जब नोटबंदी हो सकती है, जब कोरोना जैसा महामारी आ सकती है और फिर से देश धीरे धीरे पटरी पे आ सकता है, तो ये क्यों नहीं हो सकता? इसके लिए भी तो उपाय हैं। जो देश के प्रधान हैं उनसे भी मेरा ये सवाल है। अगर आप एक प्रॉपर व्लॉग देखने के लिए आए हैं तो ये वीडियो एक प्रॉपर व्लॉग नहीं होने वाला है। पिछले रात से मेरे मन में कुछ सवाल घूम रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके समक्ष इसे बताया जाए और आपसे डिस्कस कर लिया जाए। नमस्कार, अपना मुझे श्याम, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। हम अपने घर में रहते हैं, हम कोई भी छोटी से बड़ी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, हमें हर एक कुछ के लिए टैक्स देना पड़ता है। शायद हमें उस बात का पता नहीं चलता, लेकिन देना तो पड़ता है, चाहे वो समाज का कोई भी वर्ग हो, मध्यम उच्च या गरीब कोई भी वर्ग हो। हम ये टैक्स देते क्यों हैं? ताकि हमें सुरक्षा मिले, हम अपना जीवन सही ढंग से, सुचारू रूप से, सही दिशा में लेके जा सकें, सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का हमें लाभ मिले, हम सुखी जिंदगी व्यतीत करें। सबसे पहली बात मैंने बोली, वो बोली सुरक्षा की। चलो उसके ऊपर एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि पुलिस से बहुत लोगों को डर भी लगता है, बहुत लोग सुरक्षित भी महसूस करते हैं, लेकिन बात ठीक है यहाँ तक। किंतु बात गलत वहाँ पे हो जाती है जब अगर आप कुछ गलत ना करो फिर भी आपको पुलिस से डर लगता है। आखिर क्यों भाई, वो तो हमारी सुरक्षा के लिए है, तो इसमें गलती किसकी है? चलो इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपको, हमारे पास बहुत अधिकार है ना, हम अपने अधिकारों की ही बात कर लेते हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा भी पावर नहीं है ना, आप एक आम व्यक्ति हैं, तो आप एक पुलिस कांस्टेबल तक से कोई भी सवाल करने का हिम्मत नहीं रखते। अगर आप कर दिए ना कोई सवाल, कान के नीचे दो लपेटा बजाएगा, और साथ में जो आपके जहन में सबसे गंदी गाली आ रही है वो आप सोच लो उससे भी गंदी गाली वो दे के आपको वहाँ से भगाएगा, क्योंकि उसका ईगो हर्ट हो जाएगा। सब लोग ऐसे नहीं होते, बट बहुत सारे लोग ऐसे ज़रूर होते हैं। तो अब लोग कहेंगे कि गलती सिस्टम की ही है, और कुछ लोग कहेंगे कि सिस्टम मैं और आप ही तो हैं, हम जब कोशिश करेंगे चीज़ें ठीक करने के लिए तो कर लेंगे। तो अब उसी पुलिस वाले का हम एग्जाम्पल लेते हैं। वही पुलिस कांस्टेबल जिसने लपेटा मारा था, वो अगर अपना कार्य सही ढंग से और जिम्मेदारी पूर्वक निभाने लगता है तो उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे एक दो लोगों का फायदा हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। सिस्टम नहीं बदलेगा, तो सिस्टम बदलेगा कैसे? सिस्टम बदलेगा जब उस ऑर्गेनाइजेशन का जो मुखिया है, जो प्रधान है, वो अपना कार्य सही ढंग से करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे परिवार में जो हमारे परिवार का कर्ता है वो अपना कार्य सही ढंग से कर रहा है और परिवार को अच्छे से चला रहा है, तो परिवार में संस्कार बने रहेंगे और परिवार प्रगति की ओर जाएगा। ठीक उसी प्रकार, चाहे हम अपने देश की बात करें, चाहे हमारे पर्सनल लाइफ की बात करें, हम जिस कंपनी में काम करते हैं उसकी बात करें, अगर जो लीडर है अपने कार्य को समझ रहा है, जिम्मेदारी पूर्वक सही डायरेक्शन में लेके जा रहा है, तो उसमें कार्य करने वाले हर एक व्यक्ति भी अपना कार्य जिम्मेदारी पूर्वक करेंगे, क्योंकि ये साइकिल है, चीज़ें वैसी ही होती ही रहेंगी। और ये हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी होता है, अगर हमसे कोई कमज़ोर है तो हम उसे दबाने की कोशिश करते हैं। हाँ, मैं और आप, हम सब भी ये करते हैं, लेकिन आखिर ये कर क्यों रहे? क्योंकि शुरू से ऐसा ही होता आया है। तो अब इसे ठीक कैसे किया जाए? शुरू से तो जब से देश आज़ाद हुआ है यही सब तो होते आया है, ये इतना अचानक भयानक से थोड़ी ना ठीक हो सकता है। अरे जब नोटबंदी हो सकती है, जब कोरोना जैसा महामारी आ सकती है और फिर से देश धीरे धीरे पटरी पे आ सकता है, तो ये क्यों नहीं हो सकता? इसके लिए भी तो उपाय हैं। जो देश के प्रधान हैं उनसे भी मेरा ये सवाल है, वो भी अपना कार्य सही ढंग से करें ना, तो ऑटोमेटिकली ये साइकिल है, चीज़ें सही होती ही रहेंगी धीरे धीरे, लेकिन उसके लिए करेज चाहिए। अगर आप किसी भी जगह के लीडर हो ना, आप अपने घर के हो या किसी कंपनी में आप बॉस हो, कुछ भी हो, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभाओ, पूरा जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है बहुत सही ढंग से और ईमानदारी पूर्वक वॉक करेगा। तो सारी बात यहीं पे आके ख़त्म हो जाती है कि अगर आप जिम्मेदारी लेके समझदारी के साथ अपना कार्य सही ढंग से, सही प्रारूप में करते हैं, तो सारा चीज़ बहुत ही अच्छे ढंग से चलेगा। चलो इसी नोट पे इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, शॉर्ट एंड सिंपल सा रखते हैं। वंस अगेन नमस्कार, अपना जय श्याम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ यू गाइज लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाट सो एवर, डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन। और क्या बाकी सब बढ़िया है। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत। आपका कोई प्रश्न वगैरह है क्या? आपको क्या लगा ये मैंने जो मुद्दे रखे ये सही है कि नहीं है? एक लीडर जो है वो सारी चीज़ों को सही ढंग से, सही डायरेक्शन में लेके जा सकता है कि नहीं लेके जा सकता है? मुझे तो लगता है बिल्कुल लेके जा सकता है, और इसीलिए वो लीडर बना है, क्योंकि उसके अंदर वो काबिलियत है, तभी लोगों ने उसे उस जगह पे बैठाया है ना।